दोस्तों आज की कहानी है किसने आशीष की पत्नी को गर्भवती बनाया। तो कहानी को सुनते सुनते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने बचपन के मित्र गगन के यहाँ से लौटते हुए मेरे पति बार बार एक ही प्रश्न किए जा रहे थे। अरे देखो ना, वैभव की शक्ल, सूरत, व्यवहार सब कुछ गगन से कितना मिलता जुलता है। लगता है जैसे उसका डुप्लीकेट हो, बस नाक तुम्हारी तरह है। मेरा तो जैसे उसे कुछ मिला ही नहीं। मिला क्यों नहीं है? बुद्धि तुम्हारी तरह ही है। हाँ वह तो है, पर फिर भी शक्ल सूरत और आदतें कुछ तो मिलनी चाहिए थी। शक्ल सूरत और आदतें तो इंसान के अपने अपने परिवेश के अनुसार बनती है और हो सकता है उसके गर्भ में आने के बाद से ही मैंने उसे गगन भाई साहब को देने का मन बना लिया था, इसी कारण उन जैसी शक्ल सूरत हो गई हो। हाँ तुम ठीक कहती हो, पर यार तुम बहुत महान हो, खुशी खुशी अपना बच्चा गगन की झोली में डाल दिया। क्या करूँ, मुझसे उन लोगों की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। गगन भाई साहब और श्रुति भाभी को हम लोगों ने कोई गैर नहीं समझा। आपके लंदन रहने के दौरान हमारे पिताजी और हमारे बच्चों का कितना ध्यान रखा उन्होंने। हाँ यह बात तो है, गगन और भाभी जी के साथ कभी परायपन का बोध नहीं हुआ। फिर भी एक माँ के लिए अपनी संतान किसी और को दे देना बड़ी हिम्मत का काम है। मेरा तो आज भी मन कर रहा था कि उसे अपने साथ लेते चलूँ। कैसी बात करते हैं आप, देखा नहीं कैसे गगन भाई साहब और श्रुति भाभी जी कि पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। सच कह रही हो, और वैभव भी उन्हीं को अपना माता पिता समझता है, अपने असली माता पिता के बारे में जानता भी नहीं। शुक्र है मेरे पति को किसी प्रकार का शक नहीं हुआ, वरना मैं तो डर ही गई थी कि कहीं यह राज उन पर उजागर न हो जाए कि वैभव के पिता वास्तव में गगन ही है। आज 17 वर्षों के वैवाहिक जीवन में यही एक ऐसा राज है जिसे मैंने अपने पति से छिपा कर रखा है और शायद अंतिम भी। इस रहस्य को हम परिस्थितिवश हुई गलती कह सकते हैं, फिर भी जानती हूँ इस रहस्य के पर्दा उठने पर दो परिवार तबाह हो जाएंगे, इसलिए इस रहस्य को सीने में दबाए रखे हूँ। गगन इनके बचपन के मित्र हैं। गगन जहाँ दुबले पतले, शांत और कुछ कुछ पढ़ने में कमज़ोर थे, वहीं मेरे पति गुस्सैल, कदकाठी में अच्छे और जहीन थे। घर का परिवेश भी दोनों का भिन्न था। गगन एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे और मेरे पति उच्च मध्यवर्गीय परिवार से। इतनी भिन्नताएं होते हुए भी दोनों की दोस्ती मिसाल देने लायक थी। गगन को कोई भूल से भी कुछ कह देता तो उसकी खैर नहीं होती, वहीं मेरे पति आशीष की कही हुई हर बात गगन के लिए ब्रह्म वाक्य से कम नहीं होती। धीरे धीरे समय बीता और मेरे पति का IAS में चयन हो गया और गगन ने अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया जिसमें हमारे ससुर ने भी आर्थिक सहयोग दिया। मेरी सास की मृत्यु मेरे पति के पढ़ते समय ही हो गई थी। उस समय गगन की माँ ने ही मेरे पति को माँ का प्यार दिया और ससुर भी कभी गगन को अपने परिवार से अलग नहीं समझते थे और कहते थे कि कुदरत ने उन्हें दो बेटे दिए हैं, एक आशीष और दूसरा गगन। संयोग देखो कि दोनों के विवाह के बाद जब मैं और श्रुति आई तो भी उन दोनों के परिवार में किसी प्रकार का भी अलगाव न आया। मेरी और श्रुति की अच्छी बनती थी। हालांकि जब भी लोग हम चारों की मित्रता को देखते तो कहते कि यह मैत्री भी शायद कुदरत का चमत्कार है, जहां दो भिन्न परिवेश और भिन्न सोच वाले व्यक्ति अभिन्न हो गए थे। मुझे पति के तबादलों के कारण कई शहरों में रहना पड़ा, ऐसे में ससुर अकेले पड़ गए थे। उन्हें अपना शहर छोड़कर यो शहर शहर भटकना गंवारा न था। ऐसे में गगन और उनकी पत्नी ही उनका पूरा ख्याल रखते थे, बेटे बहू की कमी महसूस न होने देते। समय बीतता रहा, जैसे मैं दो बच्चों की माँ बन गई वहीं गगन की पत्नी को कई बार गर्भ तो ठहरा पर गर्भपात हो गया। डॉक्टर का कहना था कि उनकी पत्नी की कोख में कुछ ऐसी गड़बड़ी है कि वह गर्भ
पनपने ही नहीं देती। हर बार गर्भपात के बाद दोनों पति पत्नी बहुत मायूस हो जाते। गगन की पत्नी श्रुति का तो और भी बुरा हाल हो जाता। एक तो गर्भपात की कमजोरी और दूसरा मानसिक अवसाद। दिन पर दिन उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। डॉक्टर ने सलाह दी कि अब खुद के बच्चे के बारे में भूल जाएं, तो कोई बच्चा गोद ले लें या किराए की कोख का प्रबंध कर लें, वरना पत्नी के जीवन पर संकट आ सकता है। पर उन पति पत्नी को डॉक्टर की बात रास नहीं आई। गगन मुझसे कहते, भाभी अब मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, अगर कुछ कमी है तो क्या वह दवा से दूर हो सकती है? इस शहर के सब डॉक्टर पागल हैं, मैं देश के सबसे बड़े गाइनोकोलॉजिस्ट को दिखाऊंगा, देखिएगा हमारे घर भी अपने बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। और सच में उन्होंने देश के सबसे मशहूर गाइनोकोलॉजिस्ट को दिखाया। उन्होंने आशा बंधाई कि टाइम लगेगा पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर मेरे पति को डेपुटेशन पर 3 सालों के लिए लंदन जाना पड़ा, मैं नहीं जा सकी। बच्चे पढ़ने लायक हो गए थे और ससुर भी अस्वस्थ रहने लगे थे। अब उन्हें केवल गगन के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था। आखिर हम पति पत्नी का भी तो कोई उत्तरदायी तो था। आशीष के लंदन प्रवास के दौरान ही ससुर की मृत्यु हो गई। किसी प्रकार कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आशीष आए, फिर चले गए। इधर गगन की पत्नी को पुनः गर्भ ठहरा। अब की बार हर प्रकार की सावधानी बरती गई। गगन अपनी पत्नी को जमीन पर पांव ही नहीं धरने देते। वैसे डॉक्टर ने भी कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कह रखा था। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड वगैरह करने को भी मना कर दिया था, ताकि उसकी रेज से भी गर्भ को नुकसान न पहुंचे। धीरे धीरे गर्भ पूरे समय का हो गया। गगन, उसकी पत्नी और उनकी माँ का चेहरा बच्चे के आने की खुशी में पुलकित रहने लगा। प्रसन्नता मुझे भी कम न थी। नियत समय में श्रुति को प्रसव वेदना शुरू हो गई। लगता था सब कुछ सामान्य हो जाएगा। मैं भी अपने बच्चों को माँ के पास छोड़कर गगन के परिवार के साथ थी। आखिरकार इस मुश्किल घड़ी में मैं उनका साथ न देती तो कौन देता। पर एक हफ्ते तक प्रसव वेदना का कोई परिणाम न निकला। डॉक्टर भी सामान्य डिलीवरी की प्रतीक्षा करते करते थक गई थी। अंत में उन्होंने ऑपरेशन का फैसला लिया, और ऑपरेशन से जिस बच्चे ने जन्म लिया वह भयानक शक्ल वाला 2 सिर और 3 हाथ का बालक था। जन्म लेते ही उसने इतने जोर का रुदन किया कि सारी नर्सें उसे वहीं छोड़कर डर कर भाग गई। डॉक्टर ने यह खबर गगन को दी। गगन भी बच्चे को देखकर हैरान रह गए। यह तो अच्छा हुआ कि बच्चा आधे घंटे में ही इस दुनिया से चल दिया। गगन की पत्नी बेहोश थी। गगन जब बच्चे को दफना कर लौटे तो इतने थके हारे बेबस लग रहे थे कि पूछो मत। गगन की माँ ने मुझसे कहा, सीमा तुम गगन को लेकर घर जाओ, बहुत परेशान है वह, थोड़ा आराम करेगा तो इस परेशानी से निकलेगा। मैं हॉस्पिटल में रुकती हूँ। मैंने कहा, आंटी आप और गगन भाई साहब चले जाएं, मैं यहाँ रुकती हूँ। मगर गगन एकदम से उठकर खड़े हो गए, बोले चलिए भाभी चलते हैं। मैं और गगन कमरे में आ गए। कमरे में आकर मैंने गगन के ऊपर सांत्वना भरा हाथ रखा, भर था कि उनकी इतनी देर का रोका सब्र का बांध टूट गया। वे मेरी गोद में सिर रख कर फपक फपक कर रोने लगे। मैं क्या करूं भाभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्रुति जब होश में आएगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? इससे अच्छा होता वह गर्भ में आया ही न होता। श्रुति क्या यह सदमा बर्दाश्त कर पाएगी? मुझे उसकी बड़ी फिक्र हो रही है। उसका सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मैं कहीं चला जाऊंगा, भाभी आप ही उसे संभालिएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किन शब्दों में उन्हें सांत्वना दूं। केवल उनके बाल सहलाती रही। हम दोनों को ही उस मुद्रा में कुछ समझ नहीं आया, और उस दौरान कब मेरा और गगन का शारीरिक मिलन हो गया हम दोनों ही समझ न पाए। गगन अपराध बोध से भर उठे थे। अपराध बोध मुझे भी कम न था, क्योंकि जो कुछ भी हम दोनों के बीच हुआ था उसका हम दोनों ही समान रूप से अपराधी थे। परिस्थितियों के षड्यंत्र का शिकार गगन अपनी पत्नी को लेकर दूर किसी
पर्वतीय स्थल पर चले गए थे। आशीष को कुछ दिन बाद ही लंदन से लौटना था और हम लोगों को लेकर वापस जाना था, क्योंकि आशीष को वहाँ पर काफ़ी अच्छी जॉब मिल गई थी। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। मुझे देश और इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर विदेश जाना स्वीकार न था, पर आशीष पर तो पैसे और विदेश का भूत सवार था। आशीष आए तभी मुझे पता चला कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता था कि यह बच्चा गगन का है। आशीष को पता चला तो वे आश्चर्य में पड़ गए, बोले, इतनी सावधानियों के बाद ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा, अब हो गया है तो क्या करें। आशीष बोले, अबॉर्शन करवा लो, अभी नए देश में खुद को और बच्चे को एडजस्ट करने में समय लगेगा, यह सब झमेला कैसे चल पाएगा। मैंने कहा, मैं एक बात सोचती हूँ, श्रुति भाभी बहुत दुखी है, डिप्रेशन में आ गई है, शायद अब उनका दूसरा बच्चा हो भी ना, तो क्यों ना हम इस बच्चे को उन लोगों को दे दें। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, अपना बच्चा कोई कैसे दूसरे को दे सकता है। आशीष बोले, क्यों, वे लोग कोई गैर तो नहीं है। फिर तुम अबॉर्शन कराने की बात कर रहे थे, कम से कम जीवित तो रहेगा और उन लोगों के जीवन में खुशियां भर देगा। वह तो ठीक है, आशीष ने हथियार डालते हुए कहा, पर क्या गगन और भाभी इसके लिए मान जाएंगे। चलिए बात करके देखते हैं। जब हम लोगों ने गगन भाई साहब और श्रुति भाभी से इस संबंध में बात की तो वे विश्वास न कर सके। गगन बोले, ऐसा कैसे हो सकता है भाभी, आप अपना बच्चा हमें दे देंगे। मैंने कहा, हमारा और आपका बच्चा अलग थोड़े ही है। मेरी इस बात पर गगन ने चौंक कर मेरी आंखों में देखा। मैंने भी उनकी आंखों में देखते हुए अपनी बात जारी रखी, समझिए कि यह आप लोगों का ही बच्चा है, केवल गर्भ में मेरे है। अगर बेटा होगा तो आप लोग नाम वैभव रखिएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग उसे पूरा प्यार देंगे। बच्चे की कल्पना मात्र से गगन की पत्नी की आंखों में चमक आ गई, बोली, सच भाभी, क्या आप ऐसा कर पाएंगी। क्यों नहीं, आप कोई गैर थोड़ी हैं। उसके बाद श्रुति किचन में चाय बनाने चली गई और आशीष का कहीं से फोन आ गया। वह फोन पर बात करते करते बाहर चला गया। इसी बीच मैंने गगन को यह सच्चाई भी बता दी कि यह बच्चा उसी का है। आपसी सहमति बनी कि मैं अभी आशीष के साथ नहीं जाऊंगी, बच्चे को जन्म देने पर उसे श्रुति को सौंप लंदन जाऊंगी। मैंने ऐसा किया भी, बच्चे को हॉस्पिटल से निकलते ही श्रुति की गोद में डाल दिया और आशीष के पास बच्चों के साथ लंदन चली गई। तब से कई बार भारत आना हुआ, पर मायके से ही होकर लौट गई। डरती थी कहीं मेरा मातृत्व न जाग जाए। कभी कभी इस बात पर क्षोभ भी होता कि मैंने बेकार ही अपने बच्चे को पराई गोद में डाल दिया। फिर लगता शायद मैंने ठीक ही किया, नहीं तो उसे देखकर एक अपराध भाव मन में हमेशा बना रहता। आशीष सारे तथ्यों से अनजान थे, तभी तो उनका पितृत्व जब तब अपने बच्चे से मिलने को बेचैन हो उठता था। उन्हीं की जिद थी कि अब की बार गगन जी के यहाँ जाने का कार्यक्रम बना। वैभव से मिलकर आशीष की प्रतिक्रिया से मुझे तो डर ही लग गया था कि कहीं इस रहस्य से पर्दा न उठ जाए और दो परिवारों की सुख शांति भंग हो जाए। मगर आशीष के मुझ पर और गगन पर अटूट विश्वास ने उनकी सोच की दिशा इस ओर नहीं मोड़ा, वरना मैं फंस जाती। क्योंकि आज तक न तो मैंने कभी उनसे झूठ बोला है और न ही कोई बात छिपाई है। हाँ, गलती जरूर हुई है और यह बात छिपाने को विवश जरूर हूँ, क्योंकि इस गलती का पता लगने पर दो परिवार व्यर्थ में विघटन की कगार पर पहुँच जाएंगे, इसलिए मैं इस विषय पर एकदम चुप हूँ। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।